दोस्तों, आज एक ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी कार की तो बात ही छोड़िए, लेकिन सिर्फ कंपनी के नाम से ही दिल खुश हो जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी एस्टॉन मार्टिन के बारे में। अब इसके कार के बारे में बात ही क्या करें, जब भारत में ऐसी सड़क ही ना हो कि एस्टॉन मार्टिन की कारें अपने भारत में चल सके। लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि एस्टॉन मार्टिन के फाउंडर ने अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा साइकिल पे बिताया था, और यहाँ तक कि साइकिल की वजह से उनकी मौत भी हो गई थी। और आज उनके ब्रांड की ये वैल्यू है क्योंकि कार को खरीदना सबका एक सपना है। लेकिन बुरी बात ये है कि कार खरीदने से पहले ये देखना पड़ता है कि क्या एस्टॉन मार्टिन की कारें अपने देश में चलाने लायक है। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लग्जरीज ब्रांड एस्टॉन मार्टिन के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब 15 मार्च 1878 को लियोनल मार्टिन का जन्म कॉर्नवाल में हुआ था, जो कि कॉर्नवाल इंग्लैंड में है। और मार्टिन अपनी पढ़ाई इटॉन कॉलेज से किए हैं। फिर सब पढ़ाई कम्प्लीट होने के बाद मार्टिन बाथ क्लब रोड ज्वाइन कर लिए, जो कि बाथ क्लब रोड दुनिया के सबसे जाने माने वाली और दुनिया के सबसे पुरानी साइकिलिंग क्लब है। और मार्टिन उस साइकिल क्लब में मोंटाग्यू नेपियर से मिले, जो कि मोंटाग्यू नेपियर ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया करते थे, जैसे कि लग्जरियस कार, इंजन और भी बहुत कुछ। और 1903 में मार्टिन ने नेपियर को अप्रोच किया कि वो उनके साथ मिलकर कार को मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे, और वो मार्टिन के इस डील को एक्सेप्ट कर लिए। और लियोनल मार्टिन मोंटाग्यू नेपियर के अंडर में काम किया करते थे। और 1909 में मार्टिन की शादी क्रिस्टी नाम की एक लड़की से हो गई। और उसी साल 1909 की बात है कि मार्टिन गाड़ी से कहीं जा रहे थे, लेकिन उनके पास गाड़ी की लाइसेंस नहीं थी, जिस वजह से जब उनकी चेकिंग की गई तो लाइसेंस ना होने के कारण मार्टिन को पूरे 2 साल तक गाड़ी चलाने से बैन कर दिया गया, जिस वजह से मार्टिन कोर्ट में भी गए, लेकिन उनका कोर्ट में जाना कोई फायदा नहीं हुआ और वो अपनी सफर साइकिल से ही किया करते थे। और 1911 में एस्टॉन हिल पे एक साइकिल रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि मार्टिन उस रेस में हिस्सा लिए थे। और जब रेस हुआ तब मार्टिन अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण उस साइकिल रेस में अपने नाम का फास्टेस्ट रिकॉर्ड बना लिए थे, और यहाँ से मार्टिन को कुछ बड़ा करने की उम्मीद उठी। लेकिन 1913 की बात है, 19 मार्च को मार्टिन का एक बेटा पैदा हुआ, और अगले ही महीने अप्रैल में उनकी वाइफ की मौत हो गई। और उनको 2 साल के लिए गाड़ी चलाना तो बैन था ही, जिस वजह से वो साइकिल ही चलाया करते थे। और उसी बात क्लब रोड में वो एक साइकिलिस्ट से मिले जिनका नाम रॉबर्ट बैम्फोर्ड था, और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों लोग मिलकर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को खोलेंगे, जिस वजह से 1912 में उन लोगों ने अपने सरनेम को यूज करके एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम उन लोगों ने बैम्फोर्ड एंड मार्टिन लिमिटेड रखा। और शुरुआती दिनों में कार को मैन्युफैक्चर करके सेल किया करते थे। और उन लोगों ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा लिया, और रेस में वो लोग अपने खुद की कार से रेस करना चाहते थे, जिस वजह से उन लोगों ने मार्च 1915 में एक कार को मैन्युफैक्चर किया। और कार तो बन गया, लेकिन कार के लिए नाम सोच रहे थे कि ऐसा क्या नाम रखा जाए जो कि काफी यादगार नाम हो। और मार्टिन को याद आया कि उन्होंने एस्टॉन हिल पर अपने नाम फास्टेस्ट रिकॉर्ड को बनाया था, जिस वजह से उन्होंने अपने सरनेम को यूज करके कार का नाम एस्टॉन मार्टिन रख दिया। और अब कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन समय के साथ साथ कंपनी बिल्कुल लॉस में जाती जा रही थी, और इतने लॉस में जाती जा रही थी कि मार्टिन को कंपनी के लिए पैसे मांग मांग कर काम चलाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में जाती जा रही थी और मार्टिन के ऊपर काफी कर्ज बढ़ती जा रही थी। और 1926 में मार्टिन के ऊपर इतना कर्ज हो गया था, वो इतने कंगाल हो गए थे कि उनको अक्टूबर 1926 में अपने कंपनी को एंग्लो इटालियन कार डिजाइनर रेनविक बर्थ को बेच देना पड़ा। और अब लियोनल मार्टिन की कंपनी बैम्फोर्ड एंड मार्टिन लिमिटेड रेनविक बर्थ के हाथ में चली गई, और रेनविक बर्थ ने कंपनी का नाम बदलकर एस्टॉन मार्टिन रख दिया, जो कि एस्टॉन मार्टिन उस कंपनी की पहली कार थी, इसीलिए उन्होंने कंपनी का नाम एस्टॉन मार्टिन रखा। और अब मार्टिन बिल्कुल कंगाल हो गए थे और कंपनी भी उनके हाथ से निकल गई थी, और अब वो आम लोगों की तरह अपना सफर साइकिल से किया करते थे। और 14 अक्टूबर 1945 की बात है कि मार्टिन साइकिल चला रहे थे और उनके घर के ही पास एक ट्रैफिक लाइट से बहुत बुरी तरह से लड़ गए थे, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि पूरे 7 दिन तक उनकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चलती रही। लेकिन 7 दिन बाद 21 अक्टूबर 1945 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, थोड़ा और नॉलेज के लिए जेम्स बॉन्ड के मूवी में, या तो ऐसे कह लीजिए कि जेम्स बॉन्ड के करेक्टर में सन 1964 के गोल्ड फिगर मूवी में एस्टॉन मार्टिन की कार DB5 को यूज किया गया था, जिससे कि कंपनी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा
और वहाँ से एस्टन मार्टिन की कार फेमस हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा जेम्स बॉन्ड के करेक्टर में एस्टन मार्टिन की कार को यूज़ की जाती है।